press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरजू काजमी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी कश्मीरी महिला पत्रकार आरती टिक्कू जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कश्मीर का दौरा था उस पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपने से लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ हैं जी आरती टिक्कू जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आरती, थैंक यू। क्या पाई है? थैंक यू आरजू, थैंक यू। और आज तो बहुत एक्साइटेड है सब लोग, हम लोग एक्साइटेड हैं, तो आप लोग तो हमसे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो 2019 के बाद, आपको मालूम है कि आप गए हैं वो कश्मीर में। कैसे देख रही हैं आप उनके विजिट को? देखिए, पहले तो ये बात है कि कल यहाँ भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है बहुत धूमधाम से, और कश्मीरी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। और मैं कश्मीर में हूँ इस वक्त, कश्मीर मेरा होमलैंड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में जब उन्होंने 370 आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस मिल रहा था जम्मू कश्मीर को, वो जब खारिज हुआ, उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गए हैं। और प्रधानमंत्री 5 साल के बाद जो उन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था 5 साल पहले, जिसके बारे में कई सारे लोगों ने बहुत पेसिमिस्टिक व्यूज जताए थे, बहुत सारे लोगों ने डूम्स डे की प्रिडिक्शंस की थी, बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी थी, वो सारा कुछ जो 2019 में हुआ और पिछले 5 साल के में जो चेंजेस आए कश्मीर में, वो सबका पूरा देखने आए थे, ऑब्जर्व करने आए थे कि क्या पिछले 5 साल में क्या तब्दीली आई है कश्मीर में। तो एज अ कश्मीरी और एज अ जर्नलिस्ट जिसने कश्मीर को पिछले 24 साल से कवर किया है, स्टडी किया है, मैं ये आपको बहुत खुशी के साथ आज ये कह रही हूँ कि कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ा जवाब दे दिया उन सब जो नेगेटिव बातें करते थे कश्मीर के बारे में, जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस जिन्होंने की थी कश्मीर के बारे में, जिन्होंने मोदी जी को गालियां दी, जिन्होंने मोदी जी को अब्यूज किया, जिन्होंने केंद्र सरकार पे बहुत बड़े प्रश्न उठाए, उन सबको एक करारा जवाब जो है कश्मीर की जनता ने दे दिया। क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग जो है मोदी जी का भाषण सुनने आए। और सबसे बड़ी बात कि 2019 से पहले कश्मीर में जो दौर था, जब यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाले लोग बहुत कम थे, या अगर थे भी तो खामोशी से वो चुपचाप रहते थे और हिम्मत नहीं करते थे झंडा उठाने की, तो वो जो 2019 से पहले का एक माहौल था, जहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, जहाँ पे कर्फ्यू लगता था, जहाँ पे हड़ताल होती थी, जहाँ पे एनकाउंटर्स होते थे, जहाँ पे रोज की जो का जो जीवन था वो सिर्फ दहशत से भरा हुआ था, और जो पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में एक दहशतगर्दी का माहौल कश्मीर में पैदा किया, जो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से 35 साल से कश्मीर जो जिस आग में झुलस रहा था, उन सब लोगों को बहुत बड़ा एक करारा थप्पड़ पड़ा है आज कश्मीर के लोगों की वजह से, जो मोदी जी को एंडोर्स करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके विजन में कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। और ये सबसे बड़ा कि पिछले 5 साल में जो एक माहौल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आज हमने देखा, जब मोदी जी संबोधन दे रहे थे अपना कश्मीर में, वो बात कर रहे थे बच्चों से, तो ये निकल के आया कि कश्मीर के नौजवान जो है, कश्मीर के जो गरीब बच्चे हैं, कश्मीर की जो गरीब जनता है, वो मोदी जी के साथ खड़ी है। वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पहाड़ी, गुज्जर, दलित,
जितने भी गरीब लोग जो वंचित रहे उन सारी फैसिलिटी से, उन सारे ऐशो आराम से, जो एक कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को जो फैसिलिटीज थी, प्रिविलेजेस थी, ऐशो आराम था, और जो वो परिवारवाद वाली जो पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो अब्दुल्लाज और मुफ्ती, जो चंद फैमिलीज कश्मीर पे राज उन्होंने किया 70 साल, 1947 से लेकर 2018 तक जिन्होंने यहाँ राज किया, उनको जो उन्होंने जो लूट मचाई थी कश्मीर में, उन्होंने जो जिस तरह की राजनीति की, कम्युनल पॉलिटिक्स किया, जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स किया, सॉफ्ट सेपरेटिज्म चलाया, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को जिन्होंने एनकरेज किया, उन सबको आज उनकी जितनी भी धमकियां थी कि यहाँ कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी अगर आर्टिकल 370 हटाया गया, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे भारत का झंडा उठाने वाला कोई भी नहीं बचेगा, यहाँ ये प्रिडिक्ट किया था कि कश्मीर में आग लग जाएगी अगर 370 हटाया गया, आज उन सबको जो इतना बड़ा जवाब दिया कश्मीर की जनता ने, मैं उसको सलाम करती हूँ। मैं तहे दिल से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो 5 साल पहले फैसला लिया था वो फाइनली आज लोगों ने दिखा दिया कि वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, और उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन में पूरा कॉन्फिडेंस है, और ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने ये आज कई सारी बातें की अपने भाषण में, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो करप्शन इन चंद फैमिलीज ने यहाँ किया था, जिसकी वजह से कश्मीर के लोगों का, वो कश्मीरी हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनका पैसा लूटा गया था जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा, जिनको मतलब 70 साल बेवकूफ बनाया गया, और सिर्फ ये चंद परिवार जो है, जो प्रिविलेज्ड एलीट है यहाँ का, कश्मीर का, जो सत्ता में पावर में रहे, उन्होंने जैसे लूटा, और फिर कैसे केंद्र सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने कैसे इस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक को बचाया, जो कि मैं कहूंगी कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री का एक हिस्सा ही वेपन बन गया था इन्हीं चंद फैमिलीज की वजह से, और लूट मची हुई थी, उसको कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठीक किया, कैसे लोगों का पैसा बचाया, सेविंग्स बचाई, और कैसे उन गरीब लोगों को खड़ा किया जिन लोगों के पास कोई भी सहारा नहीं था। आप श्रीनगर में जो ये चंद फैमिलीज है, अगर आप कश्मीर से निकल के देखती या आप जम्मू के रीजन में जाके देखती, तो बहुत ही, मैं कहूंगी 30 साल बहुत लोगों ने सफर किया। ये जो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, उसकी वजह से आम जनता बहुत दुखी थी, उन बच्चे मारे गए, इतने लोग, हमारे जवान, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मारे गए, पुलिस के इतने बच्चे जवान शहीद हुए, कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ, जो नरसंहार हुआ 1990 में, इतनी कुर्बानियां जो हमने दी 35 साल में, उसका कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली जो है, इन लोगों ने जो खून चूसा था कश्मीरी लोगों का, मुझे लगता है कि आज उस सब का हिसाब बराबर हुआ जब कश्मीरी लोग उनको डिफाई करके, उनकी धमकियों को डिफाई करके, वो आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने और उनसे बात करने। हमने देखा एक बच्चे ने तो रिक्वेस्ट किया कि सेल्फी वो चाहते थे प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत विलिंगली, बहुत खुशी से उनको, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर है और हमें मालूम है कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो रहता ही है किसी भी प्रधानमंत्री को, खासकर कश्मीर में जहाँ पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क है उसका एक अंश अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगी कि एक बहुत ऐतिहासिक विजिट रहा प्राइम मिनिस्टर का, और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि ना तो करप्शन वो टॉलरेट करेंगे, दूसरा मैसेज ये भी है कि वो कश्मीर के लोगों के साथ है, और तीसरा मैसेज ये कि कश्मीर के लोग
प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है ये स्टेप। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और आरती टिक्कू जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे इन्होंने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि अच्छे से चर्चा की भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कश्मीर का दौरा रहा, जहां पे उन्होंने कश्मीरियों से सामने बात की और खासकर अपने दिल की बात कश्मीरियों के सामने रखी और कश्मीरियों ने अपने दिल की बात प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।